जी, तो पार्ट टू में वेलकम है, जिसमें हम देख रहे थे कि टूवर्ड्स यू का हमने कार्ड ओपन कर लिया था कि क्या उनकी इंटेंशंस हैं, और थर्ड पार्टी को ओवरऑल सिचुएशन को. तो रिसेप्टिव का आपका आपके लिए कार्ड आया है, वी रेडी टू रिसीव व्हाट फेथ हैज़ प्लान फॉर यू. आपको अपना गॉड डिवाइन पे और उसके बाद अपने गाइडर यानी हम जिसे आप देख रहे हैं उस पर फेथ करें. आई वुड रिकमेंड कि आप एक प्राइवेट रीड जरूर लीजिए ताकि सिचुएशन में, ताकि ऐसा ना हो कॉल आए और ऐसे थ्रेडिंग कॉल्स आ जाएँ कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए. आई वुड नॉट रिकमेंड दिस थिंग. अब देखते हैं आपकी थर्ड पार्टी के लिए क्या है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है. देखते हैं व्हाट्स दिस. और देखते हैं कि ओवरऑल बॉटम में क्या आया था. टेलीपैथिक. एग्जैक्टली, आप लोग टेलीपैथिकली बहुत कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, एंड आई रिस्पेक्ट दैट. बट आई वुड थिंक कि आपको अब टेलीपैथिकली कनेक्शन से आप थोड़ा सा स्टेप अप लेना चाहिए, अदरवाइज यू विल लूज दिस कनेक्शन. अब मैं देखती हूँ कि आपके ट्रू इंटेंशंस, ट्रू जो है ना फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं अभी आपके पार्टनर की, जो विदाउट स्पेल वगैरह, जो अगर हम देखना चाहें कि अगर कुछ स्पेल वगैरह है और आपसे नहीं कह पा रहे स्पेल रुक, अगर वो नहीं होता तो वो क्या आपसे कहना चाहते. अब हम पहले कार्ड्स को थोड़ा सा सेटल कर लें, ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर इनका क्या दिल की ख्वाहिश है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ एक कार्ड चाहिए मुझे, प्लीज़. आई एम अफ्रेड टू कनेक्ट यू, ये साइन है. ओ माय गॉड, किसी चीज़ के खौफ में मुब्तला है. ओ माय गॉड, योर पर्सन. देखते हैं कि अल्फाबेट में क्या रीडिंग अगर हम लें तो क्या आता है. चार्म्स में लेट्स सी. अल्फाबेट्स देखते हैं क्या अल्फाबेट्स आएंगे. एस डब्ल्यू बी यू आर एच जे क्यू पी जी ए आई. किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक है. मे बी गाड़ी, नेम, हाउस, सरनेम में हो सकता है. और अगर हम नंबर्स देखना चाहें तो मे बी अगर आप लोगों को ये नंबर दिख रहे हैं तो ये आपके लिए रीडिंग भी है. पासवर्ड ज़रूर देखिएगा. और अगर उनके मोबाइल नंबर, उनके घर के नंबर या फ़ोन नंबर में आता है या डेट ऑफ बर्थ होती है तो भी हो सकता है. प्लीज़ 1464466 की इंडिकेशन हो रही है. 4 2 8 1 7 3 यानी 1 11 4 6 और 3 5 किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है. थैंक यू सो मच. अपना बहुत ख्याल रखें और समझदारी से अपनी लाइफ के डिसीजंस लें. आपको नहीं समझ आता तो हमसे प्राइवेट कांटेक्ट कर सकते हैं. प्राइवेट रीड हमेशा प्रोसेस पेड होती हैं, याद रखिएगा. थैंक यू सो मच.